टू मेंटेन द डायरेक्शन, द टेंडेंसी टू मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, द टेंडेंसी टू मेंटेन इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है बेटा, इसके क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? तो मैं इसका एक एग्जाम्पल आप लोगों को बताता हूं। आप लोगों ने ये चीज फील करी होगी कि अगर हम कोई भी शार्प टर्म जब हम लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा, जब हम कोई शार्प टर्म लेते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कोई बॉडी ए टू बी डायरेक्शन के अंदर क्या कर रही है, डिस्टेंस मूव कर रही है, तो वो रिमेन्स क्या रहना चाहती है कि वो बॉडी कंटिन्यूसली मूव करती रहे इसी डायरेक्शन के अंदर ए टू बी। तो टेंडेंसी किस डायरेक्शन के अंदर बॉडी की, ए टू बी डायरेक्शन के अंदर। अगर मान लो वो बॉडी क्या ले दी स्टूडेंट्स, एक टर्न लेती है, एक शार्प टर्न लेती है, ठीक है स्टूडेंट्स, अलोंग ए कर्व रोड एक टर्न लेती है इधर डायरेक्शन के अंदर। अब क्या है डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग ध्यान सुनना, बॉडी क्या रहना चाहती है, रिमेन्स इधर डायरेक्शन के अंदर रहना चाहती है, बट हमने एक्चुअली में क्या ले लिया डियर स्टूडेंट्स, एक टर्न ले लिया। तो डियर स्टूडेंट जो पैसेंजर जो होता है ना, वो एक आपको बताता हूँ, एक समथिंग एक्सपीरियंस करता है, समथिंग एक्सपीरियंस मतलब उसको एक चीज फील होती है, जैसे उस पर क्या लग रहा हो डियर स्टूडेंट्स, इधर डायरेक्शन में क्या लग रहा हो डियर स्टूडेंट्स, उस पर फोर्स लग रहा हो, इधर डायरेक्शन में क्या लग रहा हो डियर स्टूडेंट्स, उस पर फोर्स लग रहा हो। तो ध्यान से सुनना इस चीज के बारे में कि इफ ए कार और बस अगर कोई टर्न लेती है अलोंग ए कर्व ट्रैक, तो जो पैसेंजर जो होते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्व ट्रैक, सेंटर ऑफ द कर्व ट्रैक। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये मान लीजिए कोई कर्व ट्रैक था, ये इसका सेंटर है, इसके सेंटर से फोर्स एक्सपीरियंस करता है पैसेंजर कैसी डायरेक्शन के अंदर डियर स्टूडेंट्स, आउट वाय डायरेक्शन के अंदर आउटिंग फोर्स एक्सपीरियंस होता है। तो ये किसके कारण है डियर स्टूडेंट्स, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि बॉडी किस में चाहती है, रिमेन्स किस में रहे, ए टू बी, बट उसने अपनी डायरेक्शन को क्या करा, चेंज करा। तो क्या होगा, सेंटर से इस बॉडी पर एक फोर्स लगेगा ताकि ये बॉडी है वो किस में रहना चाहे, ए टू बी डायरेक्शन के अंदर रहना चाहे, तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बोलते हैं। आपको एक एग्जांपल और बताता हूं डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आएगा कि मान लो मैं एक स्टोन ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं बेटा, मैं स्टोन ले लेता हूं और उस स्टोन को मैं क्या करता हूं डियर स्टूडेंट्स, एक थ्रेड से उसे बांध देता हूं, ठीक है बेटा, और उसका मैं इस तरीके से मोशन कराता हूं, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये स्टोन है इसके साथ में और ये कोई थ्रेड है और मैंने यहां से इस तरीके से इसको मूव कराया, ठीक है बेटा। तो ये कैसे पाथ में मूव कर रहा है डियर स्टूडेंट, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, किस में मूव कर रहा है बेटा, सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है। अगर मान लो बीच में से स्टोन क्या हो जाए डियर स्टूडेंट्स, मान लो एक ऐसा इंसिडेंट आता है जहां से थ्रेड ब्रेक डाउन हो जाता है, तो बॉडी क्या कौन से डायरेक्शन मूव करेगी, टेंजेंशियली मूव करेगी। जैसे एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी है जो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रही है, क्या कर रही है डियर स्टूडेंट, सर्कुलर पाथ में। तो सर्कुलर पाथ में मैंने आप लोगों को क्या बताया था डियर स्टूडेंट, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसकी इनफाइनाइट टाइम्स वो बॉडी क्या करती है डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्शन चेंज करती है, क्या चेंज करती है, डायरेक्शन चेंज करती है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यहां पर इसकी डायरेक्शन ये है, इस इंस्टेंट पर डायरेक्शन ये है, इधर डायरेक्शन पर ये है, इधर डायरेक्शन ये है बेटा, और इधर डायरेक्शन ये है। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यहां से एक ऐसा इंस्टेंट आता है कि जैसे ही बॉडी यहां पर पहुंचती है तो ये थ्रेड क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, ब्रोकन हो जाता है। तो जो बॉडी जो रहती है वो डियर स्टूडेंट्स रिमेन्स इस डायरेक्शन के अंदर क्या कर जाती है, मूव करती है। तो डियर स्टूडेंट्स आप देखना, आपने ये एक्सपीरियंस करा होगा कि मान लो इस तरीके से हम स्टोन को चलाते हैं और वो अगर ब्रेक डाउन, थ्रेड अगर बीच में से ब्रेक डाउन हो जाए तो स्टोन जो रहेगा ना डियर स्टूडेंट वो सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगा, वो क्या करेगा डियर स्टूडेंट, अगर वो मान लो यहाँ बॉडी डायरेक्शन मूव करे, यहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाए तो बॉडी की डायरेक्शन मूविंग डायरेक्शन करती, तो वो इधर डायरेक्शन के अंदर ही कंटिन्यूअसली क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स, मूव करेगा। तो ये किसका एग्जांपल है,
ये किसके कारण हो रहा है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के अंदर है। किसके अंदर है डियर स्टूडेंट्स? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के अंदर। और एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ डियर स्टूडेंट्स, जो ट्रैक्टर के जो टायर जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ट्रैक्टर के जो टायर जो होते हैं, जो टायर जो होते हैं वो बेसिकली जब उनको हम रन कराते हैं, ऑपरेट कर उनको जब यूटिलाइज करते हैं इन इंसेंट के अंदर, तो डियर स्टूडेंट्स बहुत सारी क्या करते हैं बेटा, वो डस्ट को इधर डायरेक्शन में क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, थ्रो करते हैं। तो डस्ट थोड़ी देर के लिए तो ऊपर जाता है, फिर वो क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, ऐसे फॉल हो जाता है, वापस आ जाता है। तो ये डियर स्टूडेंट्स कहाँ गिरता है? पैसेंजर पर गिरेगा, वो कपड़ों को गंदा करेगा। इसलिए क्या करते हैं हम डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या करा देते हैं, मडगार्ड प्रोवाइड कराते हैं। तो जो मडगार्ड जो प्रोवाइड जो किए जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो इसलिए प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि जो डायरेक्शन जो है, ताकि जो जो हमारा जो मड है, जो थ्रो जो हो रहा है, जो टेंजेंशियली जो थ्रो जो हो रहा है, उसकी डायरेक्शन को क्या किया जा सके डियर स्टूडेंट्स, चेंज किया जा सके। अगर अगर मडगार्ड हम यूज नहीं करेंगे तो वो डस्ट जो होगा डियर स्टूडेंट डायरेक्टली किस पर फॉल होगा डियर स्टूडेंट्स, पैसेंजर पर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, फॉल होगा। तो आप लोग इस चीज को ध्यान से समझ गए होंगे, आप लोगों को ये चीज समझ में आई है किसके बारे में बेटा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के बारे में। तो मडगार्ड्स आर प्रोवाइड ऑन द व्हील टू प्रोटेक्ट द राइडर, टू प्रोटेक्ट द राइडर फ्रॉम द मड, और डर्ट थ्रोन बाय द टायर्स, थ्रोन बाय द टायर्स दैट इज टेंजेंशियल। इसका एक एग्जांपल और मैं बताता हूं डियर स्टूडेंट्स, बारिश आती है तो बारिश की बूंदें कहां आती हैं डियर स्टूडेंट्स, बारिश की बूंदें कैसी होती हैं? अगर मान लें वाटर ड्रॉप्स आ रही है डायरेक्शन के अंदर, तो वो इधर ही डायरेक्शन के अंदर रहेंगी। अगर हम यहां पर खड़े हुए हैं तो हमें क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, वो भिगो देंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, उसकी डायरेक्शन को चेंज कराने के लिए हम क्या यूज क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, अम्ब्रेला यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स? अम्ब्रेला यूज करते हैं। तो आज की क्लासेस डियर स्टूडेंट्स हमारी यहीं पर फिनिश होती है। तो ये सिंपल से टॉपिक थे जो मैंने आप लोगों के साथ में क्या करें डियर स्टूडेंट्स, डिस्कस किए। थैंक यू बेटा।